नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद एक भाई हमारे पास हमारे किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं। क्या कमेंट करते हैं वो आप खुद देख लीजिए। मतलब भाई कमेंट्स करते हैं, पैसा नहीं दिया तो वीडियो वायरल कर दिया ब्लैकमेलर ने, पैसा नहीं दिया तो वायरल कर दिया ब्लैकमेलर ने, ये कमेंट। और किस वीडियो पे किया है, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें लिखा है व्हाट्सएप वीडियो कॉल फ्रॉड में फंसने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि हम लोगों को जिस वीडियो में बता रहे हैं कि आपको तो आपकी धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सीधी सी बात है कि हम इस वीडियो में आपको ये जरूर बता रहे होंगे कि आपको गलती से भी किसी भी साइबर अपराधी को, धोखे से फिल्म बनाने वाले अपराधी को एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहिए। हम अपने हर वीडियो में यही चीज आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो भी आपकी ये फिल्म को कभी डिलीट नहीं करते हैं, ज्यादा दिन तक अपने पास रखते हैं। अगर आप पैसा देते हैं तो डिलीट तो करते हैं, पर ज्यादा दिन तक। तो ये चीज हमने बताई थी, ठीक है। अब उनको ये पता है कि जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सीधी सी बात है कमेंट्स में भी आएंगे, तो ये भी इन लोगों का स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा होता है। इसने आईडी अपनी बना रखी है संतोष कुमार के नाम से, हो सकता है संतोष कुमार ही हो या फिर कोई सैफ अली खान हो, इस तरह का हो। बहुत सी चीजें होती है क्योंकि मेवात से है तो मैं, चलो हो सकता है आजकल तो हर कोई कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें लिखा है कि पैसा नहीं दिया तो वायरल कर दिया ब्लैकमेलर ने, ताकि सबको, इनको पता है कि जब लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो सीधी सी बात है नीचे कमेंट्स भी पढ़ेंगे, और कमेंट्स में आकर उसने ऐसा लिख दिया ताकि आप मेरी वीडियो पर यकीन ना करें, ठीक है। अब इसने लिखे यही तो कहा है पैसा नहीं दिया तो, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको ये लगे कि अगर पैसा नहीं दिया तो आपकी फिल्म भी ये लोग अपलोड कर सकते हैं। आपके दिमाग में, आपके जहन में एक डर पैदा करने के लिए जानबूझकर ये लोग हमारे वीडियोस के नीचे आकर इस तरह के कमेंट्स करते हैं। सारा खेल स्ट्रेटजी का है, ये आपको डराने का प्रयास करते हैं और आप डर जाते हैं। देखिए पूरा खेल, आपकी धोखे से फिल्म बनी है तो पूरा खेल डर का है। अगर आप डर गए तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएंगे। डरा मतलब डरा आप भी सकते हैं उनको, कोई बड़ा काम नहीं करना। अगर आप उनसे थोड़ी देर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे तो अपने आप डर जाते, इतना ज्यादा गुदा उनके अंदर होता नहीं है। तो आप भी हमारे वीडियोज के नीचे अगर इस तरह का कोई भी कमेंट देखते हैं जिसमें लिखा हो कि भैया पैसा नहीं दिया तो वीडियो वायरल कर दिया ब्लैकमेलर ने, या फिर इसके अलावा कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट लिखा है, तो उसको यकीन ना करें और हमें बताएं उसके बारे में, हम उसको वहां से हटा देंगे। क्योंकि हमने, अब मेरे द्वारा तो संभव नहीं है कि हर कोई हर कमेंट्स को मैं पढ़ सकूं, समय भी नहीं हो पाता है, या जो भी करते हैं सारी चीजें हैं तो दोनों चीजें मैनेज नहीं हो पाती। कभी वीडियो बना लेते हैं, समय मिल जाता, आजकल तो वैसे भी समय नहीं मिल रहा। तो पूरा खेल धोखे से फिल्म बन जाने के बाद इसी तरह से खेला जाता है। आपको इन सब चीजों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आप उनके हमें बताएं कि कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो उसके बारे में हम बिल्कुल आपको जवाब देने वाले हैं। तो ये वही लोग हैं जो धोखे से फिल्म बनाते हैं और आपसे पैसा लूटते हैं। देखिए जैसा कि हमारा वीडियो जरूरी नहीं है आप ही देखते, बहुत से लोग देखते हैं, तो आपके जहन में, और हम टेक्निकली बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहें तो वो अपना प्लान चेंज कर लेते, नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते, अब उनके अनुसार सिस्टम शासन नहीं है। मेवात में बहुत कुछ बदल गया है पिछले 4-5 महीने में। जो केस मेरे पास हर रोज हजारों की संख्या में आते थे, अब सैकड़ों की संख्या में आ रहे, ठीक है। जो एक एक महीने में लाखों केस आते थे, अब हजारों की संख्या में, बहुत कम हुआ है। तो ये अभी ये छोटे मोटी ये चुच्ची हरकतें कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, अपनी तरफ से आके कमेंट्स कर देते हैं और निकल जाते हैं। इसमें जानबूझ के लिखा गया कि मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी वीडियो को ब्लैकमेलर ने वायरल कर दिया। पहली चीज मैं हमेशा कहता हूं कि वायरल करना किसी के भी हाथ में नहीं है। क्या होता है वायरल करना, वो कर ही नहीं सकते, वो कितनी भी कोशिश कर ले उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते वो। उनका मकसद सिर्फ आपके जहन में इस तरह के कमेंट्स को डालकर डर पैदा करना होता है। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो चीज जो नहीं कर सकते तो उस चीज का डर दिखा के आपसे पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको ये लगे कि आपने गलती से अगर पैसा नहीं दिया तो हो सकता है कि आपकी फिल्म को कहीं भेज ना दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको इस तरह के कमेंट्स को पढ़कर अपना मूड बदलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देनी है। ये लोग जिस चीज के हकदार हैं वो है गाली। आप जितना दे सकते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ बैठा हूं, 1% आपको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होने दूंगा, इतना आप समझ लीजिए।
आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।